Hi all, I am Naveen Dua, HR Head, NFCI Group of Education. NFCI जो कि पूरे इंडिया में हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन में एक बहुत बड़ा नाम है, अगर मैं एग्जिस्टेंस की बात करूं, तो हमारे पूरे इंडिया में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका में हमारे 16 सेंटर्स हैं और हमारे यहाँ से 15,000 से ज़्यादा बच्चे आज तक पास आउट हो चुके हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 6 महीने से कोविड पैनडेमिक के कारण हर तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद पड़े हुए थे, तो मेरे को ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है अभी कि हमारे को NFCI को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से अपने ऑपरेशंस रिज्यूम करने की परमिशन मिल गई है। हम अपने पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी हमारे सेंटर्स हैं उनको हम फुल फ्लेज विद स्टूडेंट्स उनके ऑपरेशंस को रिज्यूम कर रहे हैं। साथ में हम क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे आपकी और खुद की सेफ्टी के लिए, चलिए मैं आपको सेंटर टूर करा के वो सारी चीज़ों से अवगत कराता हूँ। तो जैसे ही आप हमारे किसी भी 16 सेंटर में से किसी एक सेंटर में विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने एंट्री पे ही सैनिटाइजर रखा हुआ है, आपको अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं एंड उसके साथ साथ ही हमने मास्क भी रखे हुए हैं। तो अगर कोई विजिटर या स्टूडेंट बिना मास्क के आते हैं तो उनको मास्क प्रोवाइड हमारी तरफ से करा जाएगा और उस मास्क को वो यूज़ करके ही एंटर करेंगे। बिना मास्क के हमारे प्रेमिसेज में एंट्री नहीं है। अब हमारे जो क्लासरूम्स हैं, हर बैच के बाद, हर एक क्लास के बाद पूरे एरिया को अच्छी तरह से सैनिटाइज करा जाता है और उसके बाद ही दूसरे स्टूडेंट्स को, दूसरे बैच को उसमें एंट्री करने की परमिशन मिलती है। एक चीज़ और आप नोट करेंगे कि जितने हमारे यहाँ पे टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ थी, हमने सिर्फ 50% स्टूडेंट्स को ही एक क्लास में बैठने की परमिशन दी है। हमने जो गवर्नमेंट की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पैरामीटर्स आए हैं उनका पूरे अच्छी तरह से ध्यान रखा है। ये देखिए, ये हमारा है विजिटर एरिया जिसमें आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको गाइड करा जाएगा कि आपने किस किस तरह से क्या क्या करना है। नेक्स्ट हम चलेंगे कैरियर काउंसलिंग कैबिन की तरफ, जहाँ पे जो हमारे कैरियर काउंसलर है वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है। तो आप देखेंगे कि उन्होंने पूरी अच्छी तरह से अपने आप को इक्विप करा हुआ है, उन्होंने फेस शील्ड लगा के रखी हुई है एंड उन्होंने अपने टेबल पे हैंड सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, जिससे आप उनसे मिलने से पहले एक बारी दोबारा से हैंड सैनिटाइज करेंगे। एक चीज मैं आपको एश्योर कराना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रेमिसेस में, चाहे वो हमारा विजिटर एरिया है, काउंसलिंग एरिया है या एडमिन ब्लॉक है, हर एरिया हम दिन में 2 बारी एटलीस्ट सैनिटाइज करेंगे एंड हर एक जगह पे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी अच्छे से पालना करेंगे।